हम लोग पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में ये पढ़े थे कि किस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम लोग कहते हैं स्टेमन यानी एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके एक पार्ट को स्टेमन कहते हैं, स्टेमन से मिल करके एंड्रोसियम बनता है। उस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। एंथर उसका फर्टाइल पार्ट होता है, यह आपको डिस्कस किया गया था। और उसके बाद में एंथर क्वाड्रीलोब्ड दिखाई देता है या टेट्रा स्पोरेंजिएट दिखाई देता है, उसमें दो एंथर पाए जाते हैं। अब हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर या माइक्रो स्पोरेंजिया, जो चार स्पोरेंजिया होते हैं क्वाड्रीलोब्ड स्ट्रक्चर में, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन जो होता है, वो टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले एंथर, यहाँ लिखा है कि एंथर इज इन ट्रांसवर्स सेक्शन इज सीन एज क्वाड्रीलोब्ड स्ट्रक्चर, एक चार लोब वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी क्वाड्रीलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है अगर शुरुआती दौर में एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखा जाए कुछ ऐसा। और इस क्वाड्रीलोब्ड स्ट्रक्चर में देखिए चार लोब लगभग दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस। और बीच के जितने भी टिश्यू होते हैं जो इसमें भरे होंगे वो सब इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब हम बीच में लिख देंगे अभी, यानी ये पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पॉलेनसाइट एंथर। तो पूरा एंथर कैसे बनेगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, इसका डेवलपमेंट होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एपिडर्मल के नीचे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल यानी हाइपोडर्मिस बनाएगा। उस हाइपोडर्मिस में से जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, हम लोग जानते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखा गया है, इसका मतलब ये डेवलपमेंट वाले फेज में है। जब कहीं भी पहली बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद उस ऑर्गन में परमानेंट टिश्यू बनेगा। तो अब इस तरीके से सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ऐसे एपिडर्मिस सेल लिविंग सेल होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है, ये सब प्लांट टिश्यू में आपको बताया गया है, पढ़े होंगे। इसके नीचे कुछ हाइपोडर्मल, अब हाइपोडर्मल हाइपोडर्मिस आएगा, हाइपोडर्मल के चारों लोब के एक एक सेल, एक एक सेल ऐसे चारों लोब के चारों एंगल के एक एक सेल इनलार्ज हो जाते हैं अपनी साइज में, प्रोटोप्लाज्म इनका बढ़ जाता है और अपने अपने नेबरिंग सेल से जो अगल बगल वाले सेल से उनकी साइज बड़ी हो जाती है। और अब इस बड़े साइज वाले ये हैं किस लेयर में, तो कहते हैं हाइपोडर्मल सेल में है। इस बड़े साइज वाले सेल को हम लोग कहते हैं आर्ची स्पोरियल सेल, इसे कहा जाता है आर्ची स्पोर। कितने आर्ची स्पोरियल सेल होंगे, चार। हाइपोडर्मल रीजन में चार सेल चारों लोब के साइज में बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज इन साइज, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इनका बढ़ जाता है, अगल बगल वाले जो नेबरिंग सेल्स होते हैं
उनसे इनकी साइज बड़ी हो जाती है और इन्हें आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। उसी दौरान इस पूरे स्ट्रक्चर में बीच में कंडक्टिंग स्ट्रैंड, तब तक जब तक कि पूरा जाइलम और फ्लोएम नहीं बन जाता है तब तक कंडक्टिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नाम ही है कंडक्टिंग स्ट्रैंड। मतलब कंडक्टिंग स्ट्रैंड किसके जैसा काम करेगा, जाइलम और फ्लोएम के जैसा कंडक्शन करेगा वो काम करता है। अब आगे डेवलपमेंट देखते हैं। आर्ची स्पोरियल सेल जो है, इस आर्ची स्पोरियल सेल में अब पेरिक्लिनियल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनियल डिवीजन, देखो आप माइटोसिस पढ़े होंगे, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, ये कई तरीके का होता है। जैसे हम नाम लिख रहे हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, पेरिक्लिनियल डिवीजन, एंटीक्लिनियल डिवीजन, ये सब माइटोसिस के टाइप होते हैं। जैसे ट्रांसवर्स डिवीजन माने अगर एक सेल है और ऐसे बट जाए ट्रांसवर्सली, ऊपर नीचे में हो जाए, ट्रांसवर्स डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन, एक सेल है ऐसे इस तरीके से डिवीजन है तो इसे वर्टिकल डिवीजन कहेंगे। इसका नाम है, अभी हम लिखते हैं यहाँ, पेरिक्लिनियल डिवीजन। पेरिक्लिनियल डिवीजन, पेरिक्लिनियल डिवीजन का मतलब एक सेल इस तरीके से डिवाइड हो, देखिए इस तरीके से डिवाइड हो कि एक टुवर्ड्स पेरिफेरी हो, टुवर्ड्स पेरिफेरी, और जो दूसरा सेल है वो टुवर्ड्स सेंटर हो। टुवर्ड्स सेंटर मतलब अगर एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल इस तरीके से बनाए कि उसमें हमेशा एक सेल टुवर्ड्स पेरिफेरी हो, परिधि की तरफ या बाहर की तरफ हो, और एक सेल अंदर की तरफ हो, तो उसे पेरिक्लिनियल डिवीजन कहेंगे। एंटीक्लिनियल डिवीजन में ऐसा डिवीजन वो सेल कहीं भी हो, जिस प्लेन पर हो उस प्लेन पर इस तरीके से डिवाइड हो कि दो सेल अगल बगल बने, लेटरल सेल्स बन जाए, तो उसे एंटीक्लिनियल डिवीजन कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब माइटोसिस के टाइप होते हैं। डेवलपमेंट में हम इस तरीके के सेल्स को पढ़ते हैं, डिवीजन को पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात आ रही है पेरिक्लिनियल डिवीजन हुआ, देखो ऐसे पेरिक्लिनियल डिवीजन होगा तो इस तरीके से सेल का बंटवारा होगा, एक सेल पेरिफेरी यानी परिधि की तरफ बाहर की तरफ, और एक सेल टुवर्ड सेंटर होगा, ऐसे सेंटर होगा। तो इस तरीके से चारों में पेरिक्लिनियल डिवीजन होंगे, ये चारों आर्की स्पोरियल सेल से, चारों में ये हर सेल से दो दो सेल बन जाएंगे। ऐसे यहां पर ऐसे अब हम केवल आर्की स्पोरियल सेल बना रहे हैं, एपिडर्मिस बाहर रहेगा, ऐसे यहां देखते हैं ऐसे दो सेल, एक बाहर एक अंदर, दो सेल एक बाहर एक अंदर, दो सेल इस लोक में भी बाहर अंदर, यहाँ भी दो सेल एक बाहर एक अंदर। जो बाहर की तरफ वाला होगा इसका नाम होगा प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो अंदर वाला सेल होगा इसका नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यानी कि ईच पेरिकल आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लिनली एंड फॉर्म प्राइमरी पेराइटल सेल ऑन पेरिफेरी या टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स टुवर्ड्स सेंटर। तो इस तरीके से चार प्राइमरी पेराइटल सेल बन गए चार लोब में, और चार प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन गए। आगे का देखिए डेवलपमेंट क्या है।
प्राइमरी अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, पहले पैराइटल सेल का देख लेंगे और फिर इस ओरिजिनल सेल का देखते हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल अंडर गो सेवरल सेवरल पेरिक्लिनियल डिवीजन, पेरिक्लिनियल एंड एंटीक्लिनियल डिवीजन। कहा जा रहा है प्राइमरी पैराइटल सेल अंडर गो सेवरल पेरिक्लिनियल एंड एंटीक्लिनियल डिवीजन टू फॉर्म 3 to 5 थिक, 3 to 5 लेयर्ड, 3 to 5 लेयर्ड थिक कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ सेल्स अराउंड अराउंड प्राइमरी स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। बात को समझेंगे, कहा जा रहा है पेरिक्लिनियल डिवीजन इन आर्ची स्पोरियल सेल हो गया। कहा जा रहा है प्राइमरी पैराइटल सेल, देखो एक फिगर से समझाते हैं आपको, चार लोब वाला फिगर बनाते हैं और इसका ऐसे डेवलपमेंट होगा, ऐसे ठीक। ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड ऊपर लिखते हैं, देखिए चार लोग इस तरीके से, ये चार लोग बने, ये क्वाड्री लोब, अब ये धीरे धीरे इस क्वाड्री लोब शेप में आ गया, क्वाड्री लोब शेप में ठीक है। एक लोग, दो लोग, तीन और चार, यानी एक माइक्रोस्पोर एंजिया यहां डेवलप होगी, एक माइक्रोस्पोर एंजिया यहां, एक माइक्रोस्पोर एंजिया यहां, एक माइक्रोस्पोर एंजिया यहां, बीच में कंडक्टिव स्ट्रैंड है। आपको बताया गया था अगर एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ कनेक्टिव टिश्यू रहता है ठीक, ये क्वाड्री स्पोरेंजिएट हो गया। ऐसे आप एक तरफ एक एंथर लोब, दूसरे तरफ दूसरा एंथर लोब, ये पूरी बात है। तो ये स्ट्रक्चर अब इस रूप में बन रहा है और क्या कह रहा है, हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया को बना रहे हैं कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल कई माइटोटिक डिवीजन किस तरीके का, तो कहा जाता है कि इस पेरिक्लिनियल और एंटीक्लिनियल डिवीजन करता है और उस सेवरल पेरिक्लिनियल एंटीक्लिनियल डिवीजन करने के बाद चारों तरफ से माइक्रोस्पोरोजिनस, ये वाला प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यानी जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो यही अंदर ऐसे प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी, आगे चलकर उसका डेवलपमेंट अभी पढ़ेंगे। तो इस प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड होकर के बार बार 3 से 5 सेल मोटी एक लेयर बनाती है इनके चारों तरफ, और उस 3 से 5 सेल मोटी कॉन्सेंट्रिक जो लेयर बनती है उस लेयर का डिटेल अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे बाहर हम लोग जानते हैं एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस सेल 3 से 5 वही लिखा है, 3 to 5 लेयर थिक कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ सेल्स अराउंड प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। पहली लेयर इलांगेटेड सेल की बनी हुई, पहली लेयर इलांगेटेड सेल की बनी हुई पहली लेयर, इसे कहते हैं इंडोथीसियम,
इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है, यानी ये फाइबरस होती है इंडोफेसियल। इलांगेटेड सेल इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, पहला इंडोफेसियल। इसके बाद ये अभी हम हटा देते हैं, फिर भी बनाएंगे। इसके बाद ये पहली लेयर होगी, इसके बाद मिडिल लेयर, दो से तीन लेयर, दो से तीन लेयर मिडिल लेयर ऐसे, ये मिडिल लेयर बनाया जा रहा। और उसके बाद अंतिम जो लेयर होती है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल से बनती है, उसे कहा जाता है टैपिटम। इस तरीके से टैपिटम, सिंगल लेयर टैपिटम। ये इसका जो नेचर होता है वो न्यूट्रेटिव नेचर होता है। न्यूट्रेटिव नेचर का मतलब है कि ये डेवलप करने वाले माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर जो एंथर के अंदर बनेंगे, उस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या एंथर को जरूरत पड़ने पर न्यूट्रिएंट्स के रूप में खुद जो है डिजनरेट होकर के सप्लाई करेंगे। और अब ऐसे यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाएगा। इसको अभी आपको ध्यान नहीं देंगे, अभी ये पूरा ध्यान देंगे। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये जो लेयर बनी है, ये है 3 to 5 लेयर्ड थिक, 3 टिश्यू। किससे बना है ये? कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल से। नाम लिखते हैं, सबसे बाहर वाले को लिखा जाता है इंडोथीसियम। जो बीच में है इसका नाम है मिडिल लेयर। और जब जो सबसे लास्ट में है इसका नाम है टेपिटम। मतलब प्राइमरी पेराइटल सेल फॉर्म्स आउटर एंडोथीसियम, मिडिल में मिडिल लेयर, और इनर टैपिटम। ये सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर टू आर थ्री लेयर थिक और सिंगल लेयर, ये इनकी कॉन्सेंट्रिक रिंग बन गई इसके चारों तरफ। ठीक, इसके प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू के। तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल की बात हो गई। ठीक, इंडोथीसियम जब आगे बढ़ता है, देखिए एक इस यहां है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पर मिलेंगे, जहां मार्कर रखा गया है वहां पर, ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल के द्वारा बनी हुई मोटी कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है वो बहुत पतली हो जाती है। स्पेशली जो इंडोथीसियम होती है वो इंडोथीसियम बहुत पतली और छोटी हो जाती है, और इस हिस्से को यहाँ पर हम लोग कहते हैं स्टोमियम। किसी भी एंथर का वो पार्ट होता है जहाँ से इन फ्यूचर एंथर का डिहिसेंस होना होता है, फटना होता है, और वहीं से इसके अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बाहर आएंगे पॉलिनेशन करने के लिए या पॉलिनेशन की प्रक्रिया करने के लिए बाहर निकलते हैं पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन।
तो यह माइक्रोस्पोर कहाँ बनेंगे? इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? चार। चार माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है। तो अब बात ये भी उठती है कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कैसे बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए जो प्रॉपर प्लेस होता है वो होता है स्ट्रोमियम, क्योंकि वहाँ पर जो वॉल होती है वो वॉल बड़ी पतली हो जाती है और जिसे आसानी से आगे आपको बताया जाएगा आसानी से वो वहां पर ब्रेक कर जाए और ब्रेक करने के बाद टूट जाए और पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बाहर आए। अब बात ये उठती है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। हम लोग तो प्राइमरी पैराइटल सेल को देख लिए, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस होता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस, प्राइमरी ऊपर लिख लो, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल undergo meiosis and forms कई मियोसिस होता है और फिर वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बन जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब क्या होगा? सेवरल माइटोसिस, ठीक है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ऑलरेडी डिप्लॉयड है, आपको बताए थे कि सारे के सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी डिप्लॉयड है, अंडरगो सेवरल माइटोसिस, कई माइटोसिस उसमें होते हैं, एक से दो सेल बनते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे और बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल forms microspore or pollen grain by meiosis होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या हुआ? मियोसिस। कितने बनेंगे? चार हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, चार हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद। अब ये जो मियोसिस होता है, ये मियोसिस दो तरीके से होता है, सक्सेसिव और साइमल्टेनियस। यानी ऐसे देखिए, सक्सेसिव टाइप का और साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
तो इस पहले एक चीज ये जानते हैं कि इस प्रोसेस को, एक चीज पहले जान लेते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसे कहा जाएगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो स्पोर मदर सेल से फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनते हैं, मियोसिस होता है और इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो एक चीज जानिए, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होंगे और जब एंथर मैच्योर होगा स्ट्रोमियम से इसका डिहेसेंस होगा और सारे पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।